हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर राज पटेल। आज हम बात करने वाले हैं कि जो लेडीज का कान का छेद होता है वो हेवी ज्वेलरी पहनने से या इम्बेलेंस की वजह से या उम्र के हिसाब से वो काफी चौड़ा हो जाता है और कभी कभी टूट भी जाता है। ये सभी लेडीज का एक कॉमन प्रॉब्लम रहता है। ये प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन के लिए हमने एक वीडियो बनाया है। इसमें हम देखेंगे ये एक ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान के छेद है उसको हम कैसे बंद किए करते हैं। ये लोशन काफी ट्रस्टवर्दी है और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। पेस्टिंग लोशन लगाने से फायदा यही रहता है कि ये पेस्टिंग से किया हुआ जो कान का छेद रिपेयर किया होता है उसमें कोई पेन की तक कोई कंप्लेन नहीं रहती है। ये परमानेंट ट्रीटमेंट है और हम आज देखेंगे ये बिल्कुल एकदम इजी तरीके से कान का छेद है वो कैसे हम बंद करते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो आज देखते हैं। आज हम देखेंगे ये जो महीन जी है उसका जो कान का छेद है वो आप देख सकते हो ये काफी चौड़ा हो चुका है। तो इसको हम ईयर पेस्टिंग लोशन लगाकर कान के छेद है उसको हम कैसे बंद करते है वो आज हम मैं आज आपको दिखाता हूँ। ये प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम अपना हैंड का पूरा ख्याल रखेंगे और वो अपने हैंड में हैंड ग्लोव पहन लेंगे। बाद में हम उसको हैंड सैनिटाइजर की मदद से पूरा स्टराइल कर देंगे। अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले हम जो कान का छेद है उसको हैंड सैनिटाइजर यानी कि एंटीसेप्टिक लिक्विड है उसकी मदद से कान का जो छेद है उसको हम पहले अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे ताकि कान के छेद के अंदर कोई धूल मिट्टी बैक्टीरिया कुछ भी हो तो वो क्लीन हो जाए। क्लीन हो जाने के बाद हम उसको अच्छी तरह से ड्राई कर देंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा ड्राई हो चुका है। ड्राई हो जाने के बाद अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। ये ईयर पेस्टिंग लोशन है वो कान के छेद में हम कैसे लगाते हैं वो मैं आज आपको दिखाता हूं। इसके लिए हमें एक टूथपिक चाहिए। ये ईयर पेस्टिंग लोशन है उसको हम काफी सावधानी से उसका बोतल का ढक्कन है वो हम ओपन करेंगे। ईयर पेस्टिंग लोशन की बोतल है उसके अंदर हम डुबाएंगे। डुबाने के बाद इसके ऊपर अधिक मात्रा आ चुकी है इसलिए हम इसको पहले इसको डिप कर देंगे ताकि ये जो टूथपिक है उसके ऊपर जो ये ईयर पेस्टिंग लोशन की ज्यादा मात्रा आती है वो कम हो जाए। ऐसे डिप कर देने के बाद अब कान का छेद है उसके ऊपर हम ये ईयर पेस्टिंग लोशन अप्लाई करने जा रहे हैं। कान का छेद है उसको हम इस तरह से पकड़ कर रखेंगे। बाद में हम इसको पहले ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। देख सकते हैं ये ईयर पेस्टिंग लोशन है वो पेशेंट के कान के ऊपर लग चुका है। अब इसको हम 2 मिनट तक ऐसे सूखने देंगे ताकि जो ईयर पेस्टिंग लोशन है वो कान का छेद है उसके अंदर के जो स्किन है उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। इसलिए हम उसको 2 मिनट तक ऐसे सूखने देंगे। सूख जाने के बाद हम उसके ऊपर पट्टी लगा देंगे। इस तरफ से हम कान का छेद है उसके ऊपर पट्टी लगा देंगे। ये ईयर पेस्टिंग का जो ट्रीटमेंट है वो पूरा हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये पूरा अच्छी तरह ये बिल्कुल सिंपल ट्रीटमेंट है। ये लोशन लगाने से कान का छेद है वो परमानेंट बंद किया जाता है। तो पेशेंट को भी हम पूछ लेते हैं उसको कोई परेशानी कुछ होते है। जी माँ जी, मैंने ये आपका कान का जो ईयर पेस्टिंग किया तो उसमें आपको कोई परेशानी लगी? कुछ नहीं हुआ? कुछ जलन वगैरह वैसा कुछ? कुछ नहीं। वैसे भी हल्की सी जलन हो सकती है लेकिन उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, वो 5-10 मिनट में अपने आप ही बंद हो जाएगी। अगर आप ये लोशन परचेज करना चाहते हो, कोई लोशन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, आपका कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ईयर पेस्टिंग रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आपको उत्तर दिया जाएगा। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।